अयोध्या में 22 जनवरी को पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया और साथ ही साथ देश में इस दिन बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल बना दिया। हर घर दिए जलाए गए और राम मंदिर के उद्घाटन की इस तारीख ने एक नया इतिहास रच दिया। लोगों में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर काफी उत्साह देखा गया और इससे पूरे देश में भी हिंदुत्व को बढ़ावा मिला। हर घर भगवा की एक नई मिसाल कायम हुई, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब भी उमड़ा रहा। सरकार ने भक्तों की सुविधा के लिए हर जगह से स्पेशल ट्रेनों का भी इंतजाम किया और अलग अलग जगह से ट्रेनें बसें चलाईं। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए अयोध्या में खास इंतजाम किया और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक करोड़ों भक्त रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के। इस बार की रामनवमी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है जो कि बहुत ही खास होने वाली है। इस बार अयोध्या में रामनवमी को लेकर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। 17 अप्रैल को दोपहर में ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। इस साल की रामनवमी कई मायने में बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी की खास तैयारियां की हैं और सूर्य तिलक के लिए IIT रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है, जिससे मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर लगे दर्पण पर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दर्पण से 90 डिग्री पर परावर्तित होकर ये किरण एक पीतल के पाइप में जाएगी। पाइप के छोर पर एक दूसरा दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण से सूर्य किरणें एक बार फिर से परावर्तित होंगी और पीतल की पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार परावर्तित होने के बाद सूर्य किरणें नीचे की ओर चलेंगी। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से रामलला का सूर्य तिलक पूरा किया जाएगा। सूर्य किरणों का ये तिलक 75 मिमी का गोलाकार रूप में होगा। सूर्य किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुख मंडल को प्रकाशित करती रहेंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है और हम आशा करते हैं कि रामनवमी पर वैज्ञानिकों का ये प्रयास सफल होगा। तकरीबन 100 LED स्क्रीन के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाएगा।